हेलो स्टूडेंट, आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? यह कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली अनेक गोलाकार रचनाएं होती है। इसकी खोज अल्टमान ने 1900 ईस्वी में की थी। सिमेंटा ने सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। किसने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था? सिमेंटा ने। ये आपको याद करके बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाए रखना है कि अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, तो आप यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सिमेंटा ने दिया था 1897 में। और अगर खोज पूछेगा तो आप अल्टमान लिखोगे और वो भी 1900 में। ये दोनों क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है अक्सर सीटेट में और यूपी टेट में, दोनों में ये क्वेश्चन क्या करता है, पूछ देता है। तो ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर। इसमें डीएनए, एनआरएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है, जिनकी सहायता से यह प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को पावर हाउस कहा जाता है। अगर पूछ देता है कि किस सेल को पावर हाउस कहा जाता है, तो आप वहां पे लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया सेल को पावर हाउस कहा जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन घुमा घुमा के बहुत ही ज़्यादा पूछ देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है, किस सेल को पावर हाउस कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल को पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे है क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर यह है क्योंकि इसमें ईंधन का ऑक्सीडेशन होता है, चरणबद्ध होता है, जिसके फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होता है? ईंधन के ऑक्सीडेशन से रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन में ADP से ATP का निर्माण करता है। ADP से किसका निर्माण करता है? ATP का निर्माण करता है। जब वो कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन करता है, उसमें ADP से ATP का निर्माण करता है। जो अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।